आपको भी मालूम होना चाहिए। बाकी अगर आप देखें टेक महिंद्रा अब पॉइज्ड है अच्छी तेजी के लिए 1470। अगर ये एक डिसाइसिव पुलबैक दिन है चंदन, तो आप टेक महिंद्रा की कोई कॉल पकड़ना चाहेंगे अपने कॉस्ट को और रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए विद अ वेरी डिफाइंड स्टॉप लॉस? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले वीरू ये ध्यान रखना जरूरी है कि बाजार में वोलेटिलिटी तो रहेगी, तो आप कोई भी पोजीशन है वो ओवरनाइट ज्यादा कैरी नहीं कर पाओगे फ्यूचर से, तो ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट जरिया है। और टेक महिंद्रा और आईटीजी हिसाब से रिकवर हो रहे हैं, बॉटम आउट हो रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन लिया जा सकता है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग आपको फेवरेबल रहेगा चाहे ट्रेंड नेगेटिव हो। तो टेक महिंद्रा की यदि मैं यहाँ पे 1500 की कॉल देखूं तो 47-48 के आसपास चल रही है, आप इस कॉल को ले सकते हो। 30 रुपए के स्टॉप लॉस से ऊपर में आपको लगभग 72 रुपए तक की अपसाइड के स्विंग देखने को मिलने चाहिए। जी मानस जायसवाल साहब के साथ जुड़ेंगे। टेक महिंद्रा तो अब आपको निकलता हुआ दिख रहा है वीरेन जी, इसको बनाते हैं रफ्तार का घोड़ा, और वो इसलिए क्योंकि ये फिलहाल निफ्टी का टॉप गेनर है और यहाँ पर आप एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड बनते हुए देख रहे हैं। जोड़ते हैं यहाँ पर मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, बाजार कंसोलिडेट करता हुआ तेजी में, बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको? देखिए अगर हम पैटर्न की बात करें तो आईटी स्टॉक्स में काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अच्छी स्टैंड देखने को मिल रही है और उन्हीं में से एक माइंडट्री है। देखिए माइंडट्री में इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चूज मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि देखिए करेक्शन कंप्लीट हो गया है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, 2 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था और आज अगर आप आर्ली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। तो मेरा समझना है कि माइंडट्री में बिल्कुल खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस लगाने हैं 38-40 के नीचे तो करीब करीब 100-125 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ 4250 तक के लेवल स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो माइंडट्री में मेरी करंट लेवल्स पर खरीदारी करने की राय रहेगी 38-40 के स्टॉप लॉस के साथ। मानस जी 7% ऊपर है माइंडट्री, मतलब आप कन्विक्शन के साथ ले रहे हैं इसको इन लेवल्स? जी जी बिल्कुल कन्विक्शन के साथ ले रहे हैं क्योंकि 7% ऊपर है, लेकिन देखिए क्रैक भी वैसे ही देखने को मिला तो बाउंस बैक भी शार्प देखने को मिला। जी और मैंने कुछ